तो ये जो दो सीट्स इन दो क्लाइंट्स के लिए मैंने रीबुक की बुकिंग कोड टीम में। अच्छा जी, अब मैं फाइल फेयर को डिस्प्ले करता हूँ स्टेरिक डबल एफ से। तो ये हो गए इन दो क्लाइंट्स की फाइल फेयर जो है, ये दोनों डिस्प्ले हो गए। अब मैं जो है सेगमेंट वन की फेयर डिटेल मालूम करता हूँ। सेगमेंट वन की फेयर डिटेल को मालूम किस तरह हम मालूम करते हैं, तो इसके इंट्री कुछ तरह कि मैं यहाँ स्टैटिक डबल एफ वन से सेगमेंट वन की फेयर डिटेल मालूम करता हूँ। अच्छा जी, तो ये सेगमेंट वन की दोनों क्लाइंट्स की फेयर डिटेल हैं तो मैंने यहाँ डिस्प्ले की। अब मैं दोबारा बी एफ की तरफ जाता हूँ, तो मैं यहाँ से बी एफ को रीडिस्प्ले करता हूँ। तो रीडिस्प्ले करने के लिए मेरे पास एक एंट्री स्टैटिक आर से मैं रीडिस्प्ले करता हूँ बी एफ को। अच्छा जी, तो इसके बाद अगर आपने इस बी एफ को आगे बढ़ाना है तो आपने थर्ड नंबर पे जो मैंडेटरी फील्ड है फोन फील्ड है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है टिकटिंग अरेंजमेंट फील्ड, और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो रिसीव्ड फॉर्म फील्ड, उसके बाद आप इस बी एफ को इन कर सकते हैं ताकि चेंज जो है इस बी एफ में परमानेंटली सेव हो जाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक बेस्ट फेयर अटेंडेंट के लिए बेस्ट फेयर फाइंड आउट करना। तो उम्मीद है आपको आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और गुड बाय, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।